हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आप लोगों के साथ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में आ चुकी हूँ ये आई मेकअप लेके। तो आप पहले क्लोजली देख लो, मैंने साइड में जो वीडियो डाली है ना उसे भी देख लो, तो आपको समझ में आएगा ये एक्चुअली कैसा दिख रहा था। बिकॉज पता नहीं क्यों वीडियो में इतने क्लियर कलर्स नहीं दिख रहे, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, सो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल दैट टाइम। तो जी हाँ, मैं थोड़ा सा नाच भी रही थी बिकॉज मैंने सोचा कि ये ना नाइट आउट पार्टी लुक के लिए बहुत अमेजिंग लुक है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक। अगर आप नाइट आउट नहीं भी कर रहे हो तो अगर आपका कुछ इवनिंग फंक्शन है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वापस आ गई हूँ अपना, इस बार मैंने अपना बेस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ, आप ऊपर या नीचे मैं लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का नॉटी न्यूड पैलेट, दिस इज़ अमेजिंग पैलेट। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो आपके पास ज़रूर ये पैलेट होना चाहिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ थीम ब्लेंडिंग ब्रश, ये शायद बहुत सारे वीडियोज़ में हो रहा है अभी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले एक सॉफ्ट शेड, जितना भी शेड नेम है ना मैं नीचे डाल दूंगी, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री लिख के, तो आप चेक कर लेना क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है और मैं मम्मी के घर पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आई डोंट रिमेम्बर। सो या, तो मैंने उसे ट्रांजिशन कलर लिया था। फिर ये डार्क ब्राउन जो शेड है मैंने उसको एज अ क्रीज कलर यूज़ किया है। एंड एज़ यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ कि धीरे धीरे कलर बिल्ड करना है आपको, तो वैसे ही आपको धीरे धीरे कलर को बिल्ड करना है और ब्लेंड करना है। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है, तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा कलर ब्रश में लेके यूज़ करना है क्योंकि आप एक साथ ले लोगे तो ये पैची हो जाएगा। पैची तो होगा नहीं क्योंकि ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है, तो पैची नहीं होगा, बट स्टिल आपको ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ट्रांजिशन कलर के साथ, क्योंकि ट्रांजिशन कलर के साथ जब ब्लेंड होता है ना भाई साहब, इतना अमेजिंग लुक देता है, ओ माय गॉड। उसके बाद में ये बहुत ही सॉफ्ट सा शिमर शेड है, बहुत सॉफ्ट इसलिए क्योंकि ये बटरी है, बहुत बटरी है और ये इतना अच्छा ब्लिंग होता है गाइस। मैंने आपको ऑलरेडी वो वीडियो अटैच की है जो स्टार्टिंग में आप देख चुके हो आई लुक की, ये इतना अच्छा स्पार्कल देता है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी दिखते हैं। तो या बट कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा था इसको, ये वो नहीं चाहता था कि ये चमके, तो पता नहीं इसलिए आपको ये कलर प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बट ये बहुत अमेजिंग शेड है। सो या, मैं फिंगर्स के हेल्प से इसे फुल हाफ कट क्रीज जितना यूज़ करी हूँ, लाइक सेमाई कट क्रीज जितना, मैं आप लोग के लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं डिफरेंट टाइप्स के कट क्रीज कैसे होते हैं क्या होते हैं वो ज़रूर मैं आपको बता सकूं। सो या, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जल्दी शेयर करूंगी। तो मैंने इस आइस पे तो कर लिया है, सेम चीज़ मैं दूसरी आइस पे भी कर रही हूँ। उसके बाद यूज़ करेंगे हम लोग अपना फेवरेट मेबेलिन कोलोसल आईलाइनर, मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये बहुत ईजी है, बहुत कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत जल्दी भी काम करते हो, बहुत अच्छे भी, ये उनमें से एक है। तो मैंने थोड़ा सा विंग आउट किया है आज लाइनर को। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी माई ग्लैम की पेंसिल, दिस इज़ इन द शेड यस, हाँ तो इसका नाम है यस, माई ग्लैम की पेंसिल है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये एक टर्किश ग्रीनिश कलर का ऐसा शेड है। तो या, मैं इसे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर दे रही हूँ और ब्रश की हेल्प लेके एक सॉफ्ट ब्राउन के साथ इसे ब्लेंड कर दूँगी, मर्ज कर दूँगी ताकि अच्छा दिखे, ये ऐसे पैची सा ना दिखे। एंड बहुत बहुत जल्दी हो गया था गाइस ये आई लुक, बहुत जल्दी, मतलब जितना आपको मैंने ज़्यादा एडिट भी नहीं किया इस वीडियो को, तो बहुत जल्दी हो गया था। तो अगर आप बहुत जल्दी में कहीं जाना चाहते हो, बहुत अमेजिंग लुक है, बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। तो या, दिस इज़ हाउ इट लुक्ड। और मैं अपने फुल के फेस के साथ आ चुकी हूँ वापस, मैंने अप्लाई कर दिए लैशेस वगैरह, ब्लशेस, लिपस्टिक एंड एवरीथिंग। लिपस्टिक जो मैंने यूज़ करी है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे कॉन्टेंट बना रही हूँ मैं बहुत अमेजिंग से, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हो तो आपको शॉर्ट्स में भी दिख जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो, डांस मेरे कंटिन्यू चलते रहते हैं, सो या, तो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो। थोड़ी सी सेक्सी लगी हूँ मैं, सेक्सी नहीं लगी तो ब्यूटीफुल तो ज़रूर लगी होंगी। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करना मत भूलना एंड
सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करने वाली हूँ। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।